क्लास सेवन साइंस फर्स्ट चैप्टर टाइम एंड मोशन स्टार्ट किया जा रहा है। आपको जो भी जहाँ से भी जो कुछ प्रॉब्लम है उसको पूछा कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर का नाम टाइम एंड मोशन, तो टाइम एंड मोशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम क्या होता है, इस समय इसमें कहाँ से लिया गया है, कैसे हम लोग इसको विचार करते हैं कि सोचते भी हैं कि कैसे टाइम को बना। टाइम में जैसे वर्तमान समय में हम लोग इतने प्रेजेंट टाइम हमारी आवश्यकताएं बहुत है, उस टाइम में ये सोच विचार करके हम लोग देखते हैं कि आखिर सबसे पहले टाइम को कैसे दिया गया, किस तरह से उसका मेजर किया गया और कहां से और इसका क्या परिभाषा हो। तो टाइम हम देखते हैं, टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट आफ्टर पीरियड बिटवीन टू इवेंट, दो घटनाओं के बीच के दौरान जो भी घटना घटती है वह एक निश्चित ड्यूरेशन होता है, उसी को हम टाइम कहते हैं। यानी पहली बात यह है, टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट, ये किसी न किसी घटनाओं के बीच की या ड्यूरेशन होता है। आप पीरियड एक समय के अवधि बिटवीन टू इवेंट, दो घटनाओं के बीच ये ड्यूरेशन को ही टाइम हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे देखते हैं पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट ऑन ए पार्टिकुलर डे, पार्टिकुलर डे देखते हैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि पीरियड बिटवीन सनराइज सूर्योदय के और सूर्यास्त के समय के बीच को अलग अलग डे पार्टिकुलर डे अलग अलग दिनों के बीच वो सनराइज और सनसेट के बीच कोई ड्यूरेशन होता है, उसी ड्यूरेशन को हम टाइम कहते हैं, उसी ड्यूरेशन को टाइम कहते हैं। दूसरी बात, नीड टू मेजर टाइम, हमें यह देखना है कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, तो इसमें देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इन आवर लाइफ सच ए टू मीट आवर सीरीज क्लियरली नो हाउ मेनी टाइम्स आवर हार्ट बीट्स इन वन मिनट, नो द इस नो द सीडी टाइम, सीडी टाइम यह हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी उसको नापने के लिए। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसी चीजें हैं जो उसका बिना बिना किसी मेजर को हम उसको समझ नहीं सकते हैं या जान नहीं सकते हैं कि वह कितना समय में क्या, और ऐसी कुछ और भी घटनाएं हैं जो उसको बिना सोचे समझे हमारे अनेकों कार्य सफल नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहले ही हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे हार्ट बीट इन वन, अगर जब मेजर उसका नहीं हो, मापन नहीं हो, मिनट नहीं हो, सेकंड नहीं हो, आवर नहीं हो, तो हम ये कैसे समझेंगे कि वन मिनट में हमारे हार्ट बीट कैसे और कितना, और उस पर हमारे स्वास्थ्य भी है, दैनिक जीवन पूरा उसी पर निर्भर है। विदाउट नॉलेज बिना जानकारी के हम स्वस्थ नहीं रह सकते, या हमारे जीवन लाइफ पैन और भी पासी है। तो ये देखते हैं कि नो द सीडिंग टाइमिंग, और उस सीडिंग टाइमिंग का मतलब एक टाइम के अंतर्गत हम यह जानकारी ले लेते हैं कि हर बीच वन मिनट में मिलता है, पर सेकंड भी देख सकते हैं, हमारे पल्सेज है, अन्य काम भी है उस पर देख सकते हैं। दूसरी बात, अवे टू मेजर टाइमिंग एनसीएंट टाइम्स इन
एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, यानी कि बहुत पुराने समय में इसको कैसे मापा जाता है, इसको कुछ उसका इकाई होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो हम यह देखेंगे कि जब हमारे पास उस समय घड़ी नहीं थी या कोई इसको नापने का कोई इकाई नहीं था, तो आखिर इसको कैसे मेजर किया गया या कहाँ से लिया, उसके लिए हम देखते हैं। पहले उसका कुछ डिफिनेशन देखते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपुल यूज्ड टू एस्टिमेट टाइम विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा लोग अनुमान लगाते थे या अनुमान लगाकर नापते थे टाइम, लेकिन यह सक्सेस नहीं रहा, सफल नहीं रहा, एक्यूरेट टाइम नहीं बताता, एक्यूरेट टाइम नहीं बताता था। इसीलिए कहा गया है जैसे जो एस्टिमेट केवल उसको एस्टिमेट बना करके विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इवेंट, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे सनराइज, सूर्योदय का समय सूर्यता है एक्शन से, और डूबता है अस्त भी होता है, विकास नेचुरल इवेंट आकर एक रेगुलर इंटरवल टाइम। ये नेचुरल घटनाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से उतना ही समय सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी होता है, तो उसे कहा गया। उसी में एग्जाम्पल के लिए है टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड डे। एक सूर्योदय के समय से लेकर के सूर्यास्त के समय तक को डे कहा डे, और दूसरा द टाइम इंटरवल बिटवीन न्यू मून एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड ए मंथ, और नए चांद यानी कि पूर्णिमा के दिन से लास्ट तक अगले पूर्णिमा के दिन के तक के समय को एक महीना लोग कहते हैं। यह प्राचीन समय एंशियंट टाइम मेजर जो कि अभी भी एक रेट में सही नहीं था और क्लियर, हम इसके आगे बताएंगे कि कैसे इसका खोज हुआ, कैसे उसके बाद हम लोग घड़ी बनाए, उसका टाइमिंग बनाए और उसका यूनिट बनाए, मीटर मिनट सेकेंड आवर डे मंथ वीक। इसी के साथ आप जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगा उसको लिख कर सकते हैं।